10, 2 more. Slow down. Very good movement. Slow. Very good. Ball badhiya. 11, ye. Chal chal. 4, 4. तो राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी भाई साहब नितिन के साथ, नितिन के साथ। तो नितिन हाजिर हो चुका है। मैं बताऊं, नितिन को पहले मैं लेग्स करवा चुका हूं, हालत देख रहे हो। और आप लोगों की डिमांड की वजह से इसको बाइसेप्स भी करवाने पड़ रहे हैं, जबकि थका नहीं है। मुझसे कह रहा कि मैं कर लूँगा। मैंने कहा चल कल कर लियो, आज नहीं करेगा तो। कह रहा नाना भाई आज ही करेंगे, कोई दिक्कत ना। तो पूरी लेग्स मारी है। लेग्स का पूरा वर्कआउट नितिन के चैनल पर आपको मिलेगा मिलेगा, और बाइसेप्स का पूरा वर्कआउट मेरे चैनल पर। तो दोनों एक ही चैनल हमारे, दोनों भाई है। और चलो बढ़ते हैं अपने बाइसेप्स के एक्सरसाइज की तरफ। चलें नितिन, चलो। वार्म अप जरूरी है, चैनल लेग्स मारे बट ये ट्रेन नहीं कर रहा। थोड़ा सा वार्म अप जरूरी है एक्सरसाइज का। अब थोड़ी अपर बॉडी का वार्म अप करके हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं बाइसेप्स की। तो सबसे पहली एक्सरसाइज मैं नितिन को कराऊंगा बारबेल कर। नितिन पहले शुरू करेंगे बारबेल कर से, पहला सेट 5-5 kg। तो बारबेल कर करने का तरीका आप लोगों को, जैसे कि सब लोगों को पता ही है, सब अपना लिफ्ट करते हैं नॉर्मल। नितिन लिफ्ट कर, ये करके नीचे ले आते हैं। तो इसका एक फंडा है, ऊपर कैसे भी लिफ्ट कर बट नीचे जितना लाएगा ना, थोड़ा हाथ आगे और एल्बो को क्लोज करके, ठीक है। एल्बो क्लोज, स्लो डाउन, ये हाँ, ऊपर नीचे स्लो डाउन, ये हाँ। ए अब यहाँ पे मसल को कांटेक्ट कर, ये चल, स्लो डाउन, यस। एल्बो क्लोज, अब ऊपर कैसे भी ला, एल्बो क्लोज, अब ये चल, ऊपर कैसे भी, नीचे एल्बो क्लोज, ये चल, एल्बो क्लोज, अब ठीक है। तो एल्बो क्लोज से फ़ायदा ये होता है कि हमारा का पूरा ये रिस्ट का वेट छोड़ के बॉडी पकड़ते हैं, बाइसेप्स का वेट। अदरवाइज आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग बारबेल कर मार रहे हो और पंप आपका फोर आर्म्स हो जाता है। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे बाइसेप्स पे नहीं, फोर आर्म्स पे आ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की टेक्निक को थोड़ा सा चेंज करके देखो, बाइसेप्स पे जरूर आएगा। चल नितिन वेट बढ़ा, 5-5 और, कमान। दूसरा सेट है एल्बो क्लोज और स्लो डाउन, यस। एल्बो क्लोज, स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब नेगेटिव मूवमेंट, नीचे आने का मतलब है नेगेटिव मूवमेंट एंड स्लो और स्लो। मसल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे का पीटने का, मतलब मसल्स को पीटने का भूखा है, ठीक है। वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। चल कमान, एल्बो क्लोज, ये शाबाश, कमान, ये यस, कमान, ये क्लोज, शाबाश। आया बैस उसके पीक पे प्रॉपर, फोर आर्म्स पे तो नहीं आ रहा ना, बस ठीक है। दो सेट हो चुके हैं, दो और कराऊंगा मैं, चार सेट करेंगे, फिर अपनी थोड़ी डिफरेंट ट्रेनिंग मारेंगे। क्लोज, टू, नीचे आते टाइम क्लोज, थ्री, अप क्लोज, ये चल, फोर, अप क्लोज, शाबाश, कमान, फाइव, क्लोज, सिक्स, सॉरी बार बार खत्म हो चुके हैं। बढ़ते अपने कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कॉन्सेंट्रेशन लोग कई तरीके से मारते हैं, कोई बैठ के मार रहा हो, कोई खड़े होकर मार रहा नहीं। हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन अपना इंक्लाइन बेंच पे, डिफरेंट है। कंट्रोल से मारोगे तो बाइसेप्स पे बहुत जरूर आएगा, और सिर्फ बाइसेप्स की पीक पे आएगा, ये भी गारंटी है। यदि डंबल लेके आए तो 12.5 कॉन्सेंट, ये आ जाता है प्रीचर मूवमेंट। कॉन्सेंट्रेशन होती है क्रॉस मूवमेंट, यानी कि ऐसे ये मारेगा तो यहाँ पे हाथ रख के ऐसे लेके डंबल, मैं बताता हूँ। तो भाई जैसे आप सब लोग बोल रहे थे भाई बाइसेप्स की पीक पे एक्सरसाइज करो, पीक पे एक्सरसाइज करो, चलो ये होती है अपनी पीक की एक्सरसाइज जो मैं अब करा रहा हूँ, जिससे आपके पीक की वॉल्यूम साइज इंक्रीज होगा और डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। चलो उधर रख लेग्स को, इस लेग्स को उधर रख दोनों तरफ, ठीक है। ये जा, इस पर थोड़ा सा नीचे जा, ठीक है। हाथ बिल्कुल सीधा देख, तिरछा ना उधर, हाथ सीधा, ना 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 ऐसे नहीं, शोल्डर से ये एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट आगे कर, शोल्डर ये हाथ यहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे रख, ये ऐसे ऐसे शोल्डर आगे, अब चल, कमान, वन, चल, टू, कमान, थ्री, चल, फोर, फाइव, कमान, सिक्स, कमान, सेवन, चल, एट, चल, नाइन, चल, टेन, शाबाश, चल। ओ, बढ़िया पंप आया इसमें, आया ना इसमें, मतलब समझ आते हैं कि हाँ किसी चीज़ को हमने कॉन्सेंट्रेट किया। ये चल कमान, वन, कमान, टू, चल, थ्री, दबा और ऊपर, फोर, चल, फाइव, चल, सिक्स, दबा, सेवन, अंदर, एट, चल, नाइन, चल, टेन, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हो इतने बड़े मसल होने के बाद भी ज़्यादा वेट लगेगा इसमें, हल्के वेट से, हाँ वेट उठाने का काम गधे का है, उससे मैं हर बार बोलता हूँ गधे पे छोड़ दो, घोड़े बनो, सिर्फ रेस में दौड़ना है, गधा ना बनना कि पूरे दिन अपना वेट उठाना है। और उठा, फोर, मेरी तरफ, फाइव, और उठा, सिक्स, उठा, सेवन, स्लो, एट, स्लो, नाइन, स्लो डाउन, टेन, टू मोर, स्लो डाउन, यस, इलेवन, स्लो डाउन, ट्वेल्व, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है चीज। चल कमान, वन, स्लो, टू, थ्री, ऊपर, फोर और ऊपर, फाइव, सिक्स, ऊपर, स्लो डाउन, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन,
12 स्टॉप, बहुत बढ़िया। तो इसके मारेंगे हम 3 सेट और आप लोग कोशिश करना इसके मारो 4 सेट। मैं नितिन को थोड़ा बाइसेप्स की ट्रेनिंग कम करा रहा हूँ क्योंकि ये ओवर लेग्स वर्कआउट कर चुका है, तो ज़्यादा मसल ना पिटवाऊँ, कभी उसकी बॉडी रिकवर ना हो, और मौसम ख़राब है, बारिश पड़ रही है, थोड़ी तबीयत ख़राब ना हो, तो सब चीज़ों का ध्यान रख के वर्कआउट प्लान बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके पेले जा रहे हो, बॉडी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। 1 सेट और मारने दिन बस। चलो 3-3, 4-4 सेट मैंने पूरे सेट के कराए हैं, जैसे कि बार बार करो कॉन्सल्टेशन। अब मैं कराऊंगा प्रीचर एंड केबल। आप देखना ये लोग कि कैसे हम लोग इसको ट्रेन करते हैं बाइसेप्स की पीक को। लोग बाग केबल क्रॉस में कैसे भी मारते हैं बट उस एक्सरसाइज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे भी नहीं करना है आपको, प्रॉपर देख के, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा लो देखने का, समझने का, और उस मसल्स को वैसे ही ट्रेन करो जैसे कि हम आपको गाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए। तो नितिन हमने 2 एक्सरसाइज एक साथ करनी है बारबल कर और इस पर बैठ के, ठीक है, बेंच लगाइए भाई, ये रख दे तू, ये वाला बेंच लगाओ ना, ये हाँ ये वाला लगा, ये उस लेवल पे सेट होनी चाहिए जहाँ पे बंदा बैठता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट शोल्डर। एटलीस्ट कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ऊपर नीचे ना करे, अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर। जैसे नितिन थोड़ा लंबा है तो इसके लिए थोड़ी सी ऊपर रखता हूँ, मैं थोड़ा छोटा हूँ तो मैं थोड़े नीचे रखता हूँ, तो ये शोल्डर के अकॉर्डिंग रखी जाती है बिल्कुल सीधा। और जब इसको करते हैं तो हल्का सा हाथ ऊपर और ये ठीक है नितिन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मशीन का सेंटर लेना है, ऐसा ना हो कि राइट में बेंच ज़्यादा हो और लेफ्ट में कम है, इससे आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही मसल पे जाएगा इफेक्ट, दोनों पे नहीं जाएगा। नितिन एक प्लेट लगाएगा दो, तो पहले प्रीचर मारने बाबा, चलो तो पहले मारने प्रीचर और फिर मारेंगे ये। चल ग्रुप, ओके चल, कमान चल 1। और प्रीचर पीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है पूरे नीचे लेके आना, इसको सिर्फ इतना एंड फुल अप, हाँ ऊपर बहुत लेके जाना, ऊपर पूरा फेलियर तक ऊपर लेके जाना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है कि भाई हमें पूरी एल्बो शेड करनी है, एल्बो शेड का फायदा नहीं है, सिर्फ हल्का सा बैंड और पूरा ऊपर, जितना पूरा ऊपर करोगे उतना आपको बेनिफिट आपके पीक पे मिलेगा। चल कमान ये, यस ये जब ऊपर करेगा ना जितना, तभी इधर से पीक दबेगा अपने आप ही, जितना जा रो 1 2 स्लो 3 मेरी तरफ 5 6 कमान 7 कमान 8 कमान 9 कमान 10 बैक पे पीछे 11 चल 12 3 मोर 3 2 1 होल्ड स्लो। स्लो मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोगों की पीक इसलिए बनी नहीं पाती है, लोग मूवमेंट ख़राब करते हैं, यानी कि जब नेगेटिव मूवमेंट होती है, नीचे आने का टाइम होता है, जल्दी से फेंक देते हैं जब लोड पड़ता है। तो वही चीज़ है कि जल्दी से नहीं फेंकना, जब आपकी बॉडी को आपको लग रहा है कि यार किसी भी मसल में हमारी बॉडी लोड ले रही है, तो उस टाइम उस मूवमेंट को स्लो करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, चेस्ट हो, लेग्स हो। जब आपको प्रेशर लगने लगे कि यार अब बहुत प्रेशर हो रहा है, अब नहीं रहा जाएगा, तभी रोकना है अपने आप को, तभी स्लो करना बहुत ज़रूरी है। चल भाई चल, तू ऊपर दबा पूरा, हाँ शाबाश, ऊपर दबाना बहुत ज़रूरी है, स्क्यूज़ करना बाइसेप्स का, स्क्यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ये शाबाश। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी पीक पूरी लाइफ हल्की ही रहेगी। चल शाबाश, दबा ऊपर, स्क्यूज़ कर मसल को, ये लोड शाबाश, कमान दबा, ये शाबाश, वेरी गुड मूवमेंट, स्लो वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश, छोड़ दे चलो। तो इस पंप देख लो, स्क्यूज़ करके अपने आप एक्सरसाइज करके देखना, हम तो बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बोल रहे हैं, लेकिन आप जब करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या समझ आया है। चलाने दिन, तो अपनी ये 4th एक्सरसाइज और 2nd लेग एक्सरसाइज है, और अपने इसके लास्ट सेट बचा है, एक दो वीडियो चाहे लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ी सी वीडियो नहीं बनाई है पूरे 4 सेट की। चलने दिन, और इसमें भी स्क्यूज़ करना ज़रूरी है, लाइक अ फ्रंट डबल बाइसेप्स, चल हाँ, और पीछे की तरफ बैक साइड, ये शाबाश स्लो 3 कमान 4 ये चल 5 यहीं हाँ चल 6 ये शाबाश 7 कमान 8 ये 9 कमान 10 एल्बो आगे 11 ये चल 4 3 चल 2 1 मो स्टॉप, बहुत बढ़िया। सीरियसली बोल रहा हूँ, आप ये एक्सरसाइज करके देखना कितना मज़ा आया, वो आपको नितिन बता देगा कितना मजा आया भाई, जबरदस्त बिल्कुल एकदम बढ़िया पंप देख लो। चल अब अपनी लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, हैमर। हैमर कई तरह से लोग मारते हैं, कोई फ्रंट मारता है, कोई कैसे मारता है, तो ये
पहले आप अपने बाइसेप्स को खुद समझे कि यार मेरा बाइसेप्स का हेड वीक है, मेरे बाइसेप्स की फ्रंट वीक है, तो कैसे उसको मारना है। तो आज हम सिर्फ फ्रंट के लिए करेंगे, जिस भाई को हेड के लिए एक्सरसाइज करनी हो अपना हैमर डंबल इस तरह से। तो नितिन हम मारेंगे फ्रंट, ठीक है। चल डंबल ले, ऐसा मारो नितिन, 1 2 इससे मारियो पहले, लेफ्ट वाला अच्छा हुआ है, ठीक है। फिर ये मारियो, ठीक है। चल चल चलो भाई, अपनी लास्ट एक्सरसाइज है हैमर है, और हैमर एक्सरसाइज बाइसेप्स की एक अकेली एक्सरसाइज होती है, कल के अलावा कॉन्सेंट्रेशन के अलावा ये एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए। लोग बाग बाइसेप्स हमेशा स्किप कर देते हैं। बाइसेप्स की सुंदरता बढ़ाने के लिए बारबल का ये हैमर डंबल बहुत ज़रूरी होते हैं। हैमर, चल स्लो स्लो स्क्यूज स्लो, और स्लो करना बहुत इंपॉर्टेंट है नितिन। चल शाबाश, आप कैसे भी करो लेकिन स्लो करो और हैमर स्किप ना करो। बहुत बढ़िया, एक ही बारी में 2 सेट मार दिए। चलो तो अपना पहला सेट है, और इसके ट्रेन करेंगे हम 4 सेट, ठीक है। चलो आप लोगों ने देखा होगा कई लोग अपना क्रॉस हैमर डंबल मार रहे हैं, कोई फ्रंट मार रहे हैं, तो मुझसे पूछते लोग भाई डिफरेंट क्या है। तो कई लोगों को ना हेड बाइसेप्स का हेड वीक होता है, तो वो लोग अपना हेड के लिए अपना हैमर डंबल इस तरह से मारते हैं। कई लोगों का फ्रंट वीक होता है, फेस वीक होता है, तो वो भाई अपना फ्रंट तरीके से मारे, हेड के लिए ना मारे, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीका है और कुछ नहीं है इसमें। और हैमर बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को, अपनी पीक के लिए, पीक की लेंथ के लिए, पीक को फ्रंट से बड़ा करने के लिए हैमर बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे ट्रेंड करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नितिन थोड़ा सा एल्बो क्लोज करके फ्रंट पे ले गया, मेरी तरफ डंबल, ये हाँ ये शाबाश, ये यस, ये हाँ, चल कमान लास्ट सेट है, बढ़िया से मार, हाँ सीधा इधर की तरफ ला, इधर हाँ, ये चल शाबाश, बहुत बढ़िया, ये शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बाइसेप्स की जितनी भी पीक की एक्सरसाइज है मैंने आपको बता दी है, आप लोग ये ट्रेंड करो, और वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और अगली वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए ये ज़रूर बताएं, और ये वर्कआउट कैसा हुआ है ये बताएगा नितिन, कैसा लगा बाइसेप्स? ज़्यादा मज़ा आया भाई वर्कआउट करके, पहले लेग्स करी थी, देन उसके बाद बाइसेप में अपनी जिम में अच्छे से कर नहीं पा रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने ऑलमोस्ट। तो आज यहाँ पर बाइसेप अपने हिट करके, ये भी आप देख रहे हो काफ़ी बढ़िया पंप हो गया, और जैसा आपको बताया अपनी तैयारी चल रही है, काफ़ी टाइम बकचोदी में बेफालतू की बातों में ख़राब कराया हमने, बट अपनी जो चैम्पियनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुकी है, और कुछ बंदे हैं जो दोनों को पिन कर रहे हैं, तो इस बार अच्छे से सोचा है कि कुछ अच्छा करेंगे, और हर बार अच्छा ही करते हैं, बाकी रिजल्ट अच्छा आए ना आए वो ऊपर वाले के हाथ में और अपनी मेहनत के हाथ में, तो मेहनत अपनी अच्छे से करेंगे। बाइसेप का वर्कआउट किया है भी, और जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हमारे 2 ही चैनल है, एक टाइगर भाई का और एक अपना, बस। तो हफ्ते में यहाँ पे मैं 4 दिन आऊँगा, और 4 में से ट्राई करेंगे 2 दिन भाई अपने चैनल से आपको कुछ बताए और 2 दिन हम कुछ आपको नया बता पाएँ। तो ये अपनी ट्रेनिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मजाक से हट के पंप आप देख लोगे, दोनों लेग्स भी करी बाइसेप भी करा, एक बार आप भी ट्राई करना। पता है अभी कॉन्टेस्ट का टाइम चल रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, मई जून से शुरू हो जाएंगे, तो जो भी मेरा भाई अपनी प्रेप पे है या जो भी भाई अपनी पीक को लेके परेशान है, ज़रूर भाई सबका वर्कआउट करके देखे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि रेस्ट ना करें, जैसे अगर आपने रेस्ट किया अपना 1 मिनट भी, तो उतने में आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। अगर आप अपनी पीक पे हो और अपनी प्रेप की तैयारी कर रहे हो, तो विदाउट रेस्ट के मुश्किल से 20-22 मिनट में आपका वर्कआउट हो जाएगा, और इतना ही करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए, क्योंकि भाई सब बहुत छोटी मसल है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से खत्म करो, और फिर उसके बाद रेस्ट करो अपनी डाइट। बिल्कुल, रिकॉर्ड खत्म हो चुका है, बारी अपने कुछ डाइट की, प्रोटीन लाया, चला प्रोटीन देते हैं तुझे, आ जा। वो पता ही है कि कंपटीशन बहुत पास है, मगर अभी नितिन का कंपटीशन पास नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं 3-3.5 महीने हैं इसके कंपटीशन में, तो इसलिए मैंने इसका भी चला रखा है अपना 3-way fusion, जिसमें 3 तरह का प्रोटीन है, और प्रोटीन मात्रा आपको मिल रही है 25 ग्राम पर सर्विंग, और 25 ग्राम पर सर्विंग प्रोटीन सर्विंग, और 5 ग्राम इसे मिल रहा है BCAA और 4 ग्राम ग्लूटामाइन। तो यानी कि आपको ये सब चीज़ें बाहर से एक्स्ट्रा खाने लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाता है, और मैंने खुद ने खाया, मैं खुद चला रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा प्रोटीन है, काफ़ी पीने के बाद काफ़ी फीलिंग फील होती है कि यार यार कुछ खाया है, एचओ में कुछ खाया है, और जो खा रहे हैं वो सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे, ये भी सच है कि खा रहे हैं तो बता रहे, नहीं तो कोई है ही नहीं। जनरली आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं यही प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, और यही डब्बा मेरे बैग में भी पड़ा रहता है, इसमें तो हमें 3 तरह का प्रोटीन मिल रहा है, वे हाइड्रोलाइज, आइसोलेट, और वे कॉन्सेंट्रेट। तो पूरी जिम को यही खिला रहे हैं, खुद भी यही खा रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, और आगे और अच्छे आएंगे, अभी कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा टाइम है, देन ये करके अभी वे 3 फ्यूजन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही कॉम्पिटिशन में थोड़ा बहुत टाइम अपने पास बचेगा, लाइक 70-60 डेज बचेंगे, देन डॉक्टर चॉइस करेंगे आइसो प्रो,
तो मेरे जिस भी भाई को प्रोटीन अपने बजट में चाहिए, मैं तो टाइगर भाई से ऐसे ले जाता हूँ, जब खत्म होता है बड़ा डब्बा ये रखा, और अगर जल्दी से खत्म हो जैसे कि अपने जिम में भी मैं खिला देता हूँ भाई और खा लेते हैं, तो मैं टीम को बोल देता हूँ, टीम से आ जाता है, तो प्रोटीन की मौज हो रखी है। और तो चलो भाई वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वर्कआउट ज़रूर ट्राई करें और अपना प्यार बनाए रखें। और अगर हम दोनों का साथ आपको वर्कआउट देखना है, उस्ताद जी के साथ मेरा वर्कआउट देखना है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो पे 1000 कमेंट, छोटे ही शरीर हम 1000 बते रहे। देखो तो मेरे पे नहीं आते, 1000 नहीं मेरे पे तो आते ना, ना आ जाएंगे 1000 कमेंट भाई के इस चैनल पे आने चाहिए, देन उसके बाद जौन सा बॉडी पार्ट आप बोलोगे जो भी बॉडी पार्ट वो करेंगे, और डाइट के बारे में जो भी खाएंगे पिएंगे वो बताएंगे। चलो ख्याल रखें, खुश रहें, खाते पीते रहें। 11 बज गए और टाइमिंग का टाइम हो गया 11, ट्रेनिंग हो चुकी है खत्म। चलो बहुत बढ़िया है, अपने डाइट वाइट लेके खाएंगे, रेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो चलो जी, थैंक यू सो मच। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार जरूर बनाए रखें, ऐसे बने रहेगा तो हम भी बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।